Welcome student, this is the second class of history in class 8. In last class we have studied about why the dates are important in history and why we associate the date with the history. And we have also taken some example of your birth and all the stages and about we also talk about the process of any particular phenomena. Okay. And also, we have seen why the history is important. Why? Because it gives the answer of some question like when king was crowned, when the king was married, when they produced, and what when next ruler was put to the throne, and how cities and kingdom developed, when king died, and how ideas spread in culture, and also. In last video, we have understand that history tell us how and when certain event took places. It means कोई भी event कब और कैसे होता है and how people earn their livelihood, how the cities develop. The history also help us understand how new ideas and culture develop. हिस्ट्री हमें हेल्प करती है ये समझने में कि कैसे एक कल्चर या आइडियाज का एक्सचेंज होता है और ये कैसे डेवलप होता है. सपोज एन एग्जांपल, देयर इज अ किंगडम नेम ए एंड अ किंगडम नेम बी. इफ इफ द किंगडम द किंग ऑफ किंगडम ए बिकेम वीकर देन बी ट्राई टू कंट्रोल ओवर दैट एरिया. इस एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश बी करेगा. और इफ बी हैज बीन सक्सीड दिस रीजन देन ये अपने साथ क्या लाएगा, अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन, अपने आइडियाज. इट मीन्स यहाँ बी स्टेट का आइडिया किसके साथ मिलेगा, ए के साथ. एंड दिस इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. सो इन दिस क्लास वी हैव स्टार्टेड विद अ न्यू टॉपिक विच इज What make dates important? Why the dates are important for us? Why? Because it's very easy answer. Because dates are associated with a certain event in which we achieve something. Yani har कोई ऐसी date जो history में हो जिसपे हमने क्या किया, कुछ achieve किया है. Always remember student, in history we have remember only those things विच आर इम्पॉर्टेंट. इट मीन्स हम अगर किसी आदमी को याद रखते हैं या किसी डेट को याद रखते हैं तो जरूर उस डेट पर हमने कुछ अचीव किया होगा या उस दिन कुछ ऐसी बहुत बुरी घटना या बहुत अच्छी घटना हुई होगी जिसकी वजह से हम उस पार्टिकुलर डेट को याद रखते हैं. सिमिलरली किसी आदमी ने अपनी लाइफ में, हिस्ट्री में, अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा किया जिससे बाकियों की लाइफ इन फ्यूचर उस पे कुछ असर हुआ तो हम उस आदमी को याद रखते हैं, या उसने कुछ बहुत बुरा किया अपनी लाइफ में जिसकी वजह से उसके आसपास के लोगों का लाइफ इफेक्ट हुआ तो इस वजह से हम उसको याद रखते हैं. तो एक एग्जांपल लेते हैं. इन 15 अगस्त 1947 आई थिंक वी ऑल रिमेम्बर दिस डेट. 15 अगस्त 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द क्लच ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर अस. क्यों? क्योंकि हमने क्या अचीव किया उस दिन, इंडिपेंडेंस अचीव किया. सिमिलरली इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया देयर इज सेवरल गवर्नर जनरल एंड वॉयसराय जिन्होंने अपनी वर्किंग पीरियड में कुछ ऐसे काम किए जो इंडिया के लिए या फिर ब्रिटेन के लिए या तो बहुत अच्छे रहे या बुरे रहे, या उन्होंने अपने लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट काम किया उसकी वजह से उन्हें याद रखा जाता है. जैसे वॉरेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. सिमिलरली लॉट्स ऑफ वॉयसराय आर इम्पोर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री. When the history written, जब इतिहास लिखा जा रहा था, it is divided into chapters and periodize. Then basic on date. यानी जब history को हम लिखते हैं, history को divide करते हैं, whenever we classify the history, either we divide the history on the basis of chronology or divide the history on the basis of periodically.
क्रोनोलॉजी मीन्स घटनाक्रम के अनुसार, यानी अगर कोई इवेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डिवाइड करते हैं. सच एन एग्जाम्पल, वी ऑल स्टडीड अबाउट द किंग अशोका. तो वेन एवर किंग अशोक बिकेम द किंग, ये घटना हुई. उसके बाद ही स्टार्ट कॉन्क्यूरिंग द स्टेट, ही स्टार्ट एक्सटेंडिंग इस ओन एम्पायर, उसने अपने एम्पायर को बढ़ाना शुरू किया. और फिर उसके लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई, विच इज द वॉर ऑफ कलिंगा. एंड आफ्टर दैट ही उसने क्या किया, वॉर छोड़ दिया, लड़ाई करना छोड़ दी. तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुई. इस तरह से हमने क्या किया, अशोक के लाइफ को क्लासिफाई किया. तो सिमिलरली इन क्रोनोलॉजी वी डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द इवेंट्स. सच एन एग्जाम्पल, इन इंडिया क्लोनाइजेशन स्टार्ट, यानी इंडिया में क्लोनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ. आप फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिशर्स क्या करने आए, उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया, ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ. फिर उन्होंने एक पार्टिकुलर रीजन पे दीवानी राइट्स यानी टैक्सेशन का राइट हासिल किया, एक वो इवेंट हुआ. उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ के पॉलिटिकल राइट्स भी हासिल किए. तो इवेंट के अकॉर्डिंगली जब हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, विच नोन एज द क्रोनोलॉजिकली. और पीरियोडिकली इट मीन्स टाइम, यानी 1800 में क्या हुआ, 1900 में क्या हुआ, या 1857 विच नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें क्या हुआ. इसमें हम ये नहीं जानते कि इसके किसी एक दिन में ये हुआ, हम ये जानते हैं इस ये पूरा जो साल था ये क्यों जाना जाता है, दिस इज द ईयर फॉर नोन फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि इस साल में हमने पहला अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया. तो ये हुआ पीरियोडिकली. लेट अगेन कम ऑन द बुक. ओके, सो फॉर इंस्टेंट इन ब्रिटिश इंडिया द रीजन सक्सेस ऑफ गवर्नर जनरल, कई सारे गवर्नर जनरल और वॉर्सराय हैं, जैसे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, वेलिजली, बेंटिंक, डलहौजी, कैनन, लॉरेंस, लिंकटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग एंड इरविन. ओके, लॉर्ड इरविन ही वॉज द लास्ट वॉयसराय ऑफ इंडिया. सच एन एग्जाम्पल, देखो लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड एज अ वॉयसराय ऑफ इंडिया, कब उनको अपॉइंट किया गया, इन 1999. इट मीन्स पीरियोडिकली इसको डिवाइड किया गया, डेट के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया. ओके, देन बिकेम द फोकस ऑफ हिस्ट्री इन दिस पीरियड. ओके, नाउ वी हैव स्टार्ट, हाउ डू वी प्रियोडाइज, हम प्रियोडाइज कैसे करते हैं, यानी हिस्ट्री को डिवाइड कैसे करते हैं, पीरियड्स में डिवाइड कैसे करते हैं. तब यहाँ पे इन ब्रिटिश इंडिया एक नाम आता है, जेम्स मिल. ओके, इन 1817 अ जेम्स मिल हु वॉज द स्कॉटिश इन्वायरमेंटलिस्ट इकोनॉमिस्ट, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर. यानी जेम्स मिल कौन था, स्कॉटलैंड का एक इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर था, जिसने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था, किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ओके, अब ये जो किताब थी ये 3 वॉल्यूम में आई. ओके, इट गेव अ 3 वॉल्यूम, यानी इसका लेंथ इतना ज्यादा था, ये इतनी बड़ी किताब थी कि इसको एक बार में छापना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसके 3 वॉल्यूम आए. और इसमें हिस्ट्री को डिवाइड किया गया कितने पीरियड्स में, 3 पीरियड में, विच इज द हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड, विच इज बेसिकली ऑन द रिलीजन. अब ऐसा क्यों किया गया, हम लोग ये देखते हैं. जेम्स मिल, अ स्कॉटिक फिलोसोफर, पब्लिश द 3 वॉल्यूम वर्क विच इज द अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड व्हाट इज 3 वॉल्यूम, 3 पार्ट में बुक आई. ओके, एंड ही डिवाइड द इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड विच इज हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. ओके, वी डिवाइडेड द हिस्ट्री इनटू द डिफरेंट पीरियड बिकॉज वी वॉन्ट टू. अब हम हिस्ट्री को डिवाइड क्यों करते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू कैरेक्टराइज द मेन हाईलाइट्स. यानी इस पार्टिकुलर टाइम में, इट मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं मॉडर्न टाइम में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या हुई मॉडर्न टाइम में, उसको हाईलाइट करने के लिए. अब देखते हैं, जैसे इन एंशियंट हिस्ट्री विच इज वी हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6, व्हेन ह्यूमन वॉज हंटर एंड गैदरर.
तो जब ह्यूमन हंटर और गैदरर था तो उस समय को कैरेक्टराइज करने के लिए हमने कौन कौन सा पीरियड लिखा? जब ह्यूमन ने क्या स्टार्ट किया, पहली बार हंटिंग किया, उसके बाद उसने फिर कुछ सीखा, फिर उसने फायर का इन्वेंशन यानी आग की डिस्कवरी की, ठीक है, आग की डिस्कवरी की, देन उसने आग से रिलेटेड काफी सारी एक्टिविटीज की, फिर उसने व्हील का इन्वेंशन किया, व्हील से रिलेटेड काफी सारी एक्टिविटीज की, तो हमने अभी क्या हाईलाइट किया, द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इन्वेंशन ऑफ व्हील। तो इस तरह से हम बहुत सारी कैरेक्टराइज करने के लिए, इम्पॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करने के लिए किसका यूज करते हैं, टाइम ऑफ पीरियड का। तो अब देखते हैं जेम्स मिल जो कि एक फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, और इनके व्यू से एशिया यानी जो एशिया का पूरा कॉन्टिनेंट है, इसमें रहने वाले जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी लोग हैं, दे वेयर लेस सिविलाइज्ड देन यूरोपियंस। इनका मानना था कि एशिया में रहने वाले, जिसमें इंडिया भी शामिल है, बिकॉज इंडिया लाए ना एशियन कॉन्टिनेंट, सो ये जितने भी एशियंस हैं ये सब लेस सिविलाइज हैं, यानी ये बहुत कम तरीके से सभ्य है, ये पूरी तरह से सभ्य नहीं है, इवन ये मानते थे कि ये सिविलाइज्ड ही नहीं है। एंड इन हिज बुक, उन्होंने अपनी बुक में ये दिखाया कि इससे पहले, ब्रिटिशियंस के आने से पहले जो इंडिया का कंडीशन था वो कैसा था। इनके अकॉर्डिंगली इट्स अ एज ऑफ डार्कनेस इन इंडिया। अब डार्कनेस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ बल्ब बंद हो गया था और अंधेरे में थे लोग, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये था कि लोग यहाँ किसी तरह के साइंस टेक्नोलॉजी में कोई डेवलप नहीं था, किसी तरह का ट्रेड नहीं था, लोग पूरी तरह से एंशियंट लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे थे, बट ये सच नहीं था। बिफोर द ब्रिटिशर्स द कंट्री रिच एंड इट्स वेल्थ इन स्पाइस मिनरल एंड मेड द टारगेट ऑफ इन्वेशन एंड क्लोनाइजेशन बाय यूरोपियन पावर फ्रॉम 15th सेंचुरी ऑनवर्ड। यानी इंडिया एक रिच कंट्री थी जहाँ का स्पाइस और मिनरल ये काफी ज्यादा फेमस था, और इन्हीं दो चीजों को टारगेट करके इंडिया को क्लोनाइजेशन किया गया, इंडिया पे अधिकार स्थापित किया गया, इंडिया के ऊपर इन्वेशन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ स्थापित किया गया, जो कि जेम्स मिल ने बताया कि ऐसा नहीं था, इंडिया जो था एक डार्क एज में जी रहा था। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द मिल इनके अकॉर्डिंग, जेम्स मिल के हिसाब से, द इंडियन लैंड वॉज रूल्ड बाय द मुस्लिम, यानी ब्रिटिशियंस के आने से पहले यहाँ के जो शासक थे वो मुस्लिम थे। दे डिस्पॉट, डिस्पॉट मतलब, डिस्पॉट का मतलब क्या होता है, क्रूरता से, यानी जो मुस्लिम रूलर थे वो इंडिया में बहुत ही क्रूरता के साथ शासन कर रहे थे, यहाँ के लोग काफी परेशान थे। ही सेड इट वॉज कैरेक्टराइज्ड By religious intolerance, यहाँ पे क्या थी, बहुत ज्यादा religious intolerance थी। What is the mean by the intolerance, यानी X नाम का religion Y नाम के religion से नफरत करता था। अगर power में X नाम का religion है तो Y को discriminate किया जाता था। This is the mean by the religious intolerance। और ignorance, यानी अगर X नाम का religion जो है power में है यानी शासन कर रहा है, तो Y नाम के religion को पूरी तरह से society से इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर वाई पावर में है तो एक्स को इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द इग्नोरेंस। एंड कास्ट हायरार्की, यानी यहाँ पे एक तरह का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, कुछ लोग बड़े कास्ट से बिलोंग करते थे, कुछ छोटे, इस तरह से सोसाइटी में एक हायरार्की बनी हुई थी, और बड़े कास्ट के लोगों का बहुत ज्यादा प्रभाव था यानी इफेक्ट देखने को मिलता था, और जो छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे उनको पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता था, उनकी अनदेखी कर दी जाती थी। एंड ऑर्थोडॉक्सी, यानी ऑर्थोडॉक्सी का मतलब अंधविश्वास था, लोगों में धार्मिक और सामाजिक तौर पर अंधविश्वास फैला हुआ था, लोग जादू टोने में बिलीव करते थे। एंड ऑल्सो जेम्स मिल बिलीव्ड दैट द ब्रिटिश रूल एक्चुअली रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। अब ये बिलीव करते थे कि जो ब्रिटिश टाइम था, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश पीरियड में इंडियन को इन्होंने सिविलाइज कर दिया विद आर्ट इंस्टीट्यूशन एंड लॉज। यानी इनके आने से पहले इंडिया में कोई लॉ नहीं था, इंडिया में किसी तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं था, इंडिया में अपना आर्ट और कल्चर नहीं था, जो कि सच नहीं है। तो इनके हिसाब से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इनलाइटमेंट दिया, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश दे दिया। एंड एक्सप्लेन द कॉन्क्यूरर
ऑल द टेरिटरी टू स्प्रेड इनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस। इनका कहना था कि ब्रिटिशियस ने इंडिया की सभी टेरिटरीज पे सिर्फ इसलिए कॉन्क्योर किया, सिर्फ इसलिए कब्जा किया ताकि वो यहाँ पे ज्ञान का प्रकाश और खुशियां बांट सके, बढ़ा सके। आई थिंक क्लियर है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। इन अदर हिस्टोरियंस, उसके अलावा ये तो थी जेम्स मिल की बात। अब बात करते हैं इंडियन इंडियन जो हिस्टोरियंस है इनकी बात करते हैं। तो इंडियन हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया। दे डिवाइड द थ्री पार्ट, विच पार्ट्स? एंशियंट, मेडिविल और मॉडर्न। ठीक है, एंशियंट, मेडिविल, मॉडर्न बाय द जेम्स मिल, विच इज अगेन हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश, एंड बाय द इंडियन हिस्टोरियंस एंशियंट, मेडिविल एंड मॉडर्न। ओके, दिस ऑल्सो दिस डिविजन हैज अ सम ड्रॉबैक्स। इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसके क्योंकि ये जो डिवीजन था ये बेसिकली हम लोगों ने वेस्ट से लिया था, यानी पश्चिम यानी यूरोपियन कंट्री का जो डिवीजन था उसी के आधार पर इसको डिवाइड किया गया था और इसका नाम बस रखा गया एंशियंट, मेडिविल और मॉडर्न पीरियड। लेकिन फिर भी कुछ इंडियन जो हिस्टोरियंस थे वो मानते थे कि जो मॉडर्न टू मॉडर्न हिस्ट्री की जो डिस्क्रिमिनेशन दी गई है ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, ये पूरी तरह से इनकरेक्ट है, ये गलत है। इट डिड नॉट हैव इक्वलिटी। उन्होंने क्या कहा था कि ब्रिटिशियस के आने की वजह से यहाँ क्या हुआ, इंडिया में ग्रोथ, साइंस का ग्रोथ हो गया, ग्रोथ ऑफ साइंस हुआ, रीजंस का ग्रोथ हुआ, डेमोक्रेसी बढ़ी, लिबर्टी आई, इक्वलिटी आई। लेकिन क्या एक्चुअली था? नहीं, इन ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया इट हैज नो इक्वलिटी, नो फ्रीडम, नो इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड ब्रिटिश सबजस्टेड यानी अधिकरण किसी जगह को अपने अधिकार में लेना, और उसके अलावा उसकी जगह या तो उन्होंने किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं किया, उन्होंने क्या किया इसके जगह यहाँ पे अधिकार किया बाय द हेल्प ऑफ लोकल नवाब्स एंड कंट्रोल द इकोनॉमिकली एंड कलेक्ट रेवेन्यू। उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, इंडिया को इकोनॉमिकली कंट्रोल किया और इंडिया से रेवेन्यूज कलेक्ट करना स्टार्ट किया, सो दैट दे गेव द बेनिफिट टू द ब्रिटिश एम्पायर। ओके, और इसी वजह से कुछ इंडियन हिस्टोरियन जो थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसलिए उनका मानना था कि ये जो हिस्ट्री है इसको मॉडर्न पीरियड के जगह एज अ पीरियड ऑफ कॉलोनियल पीरियड भी कहा जा सकता है। अब क्या है, व्हाट इज कॉलोनियल? अब ये कॉलोनियल क्या है, तो यहाँ डेफिनेशन देखेंगे इसकी हम लोग। द कॉलोनाइजेशन, व्हाट इज कॉलोनियल? सबजेशन यानी किसी जगह को अधिकार में लेना, अधिकृत करना, ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एंड सोशल कल्चरल चेंज, यानी किसी जगह को अपने अधिकार में करना और उसकी वजह से वहां के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल और कल्चर में, सोशल और कल्चरल लाइफ में चेंजेस आ जाना। ठीक है, अब देखते हैं इन योर बुक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉलोनाइजेशन। इन द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, ब्रिटिशियस इंडिया क्यों आए, वो इंडिया आए सिर्फ ट्रेड करने के लिए, पर ग्रेजुअली एज आई से इन प्रीवियस वीडियो एवरीथिंग अकर इन नॉट इन अ सिंगल डे। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है, किसी भी काम को होने का एक प्रोसेस होता है, सो दैट दे कॉन्क्योर द इंडिया ग्रेजुअली दे एस्टैब्लिश themselves and subjection the local raja and nawab। सबसे पहले उन्होंने धीरे धीरे इंडिया को अपने कंट्रोल में लिया, लोकल राजा यानी जो राजा थे और जो नवाब थे उन सबके राज्यों पर अपना अधिकार जताया, then they establish the control over the economy and society, और फिर धीरे धीरे उन्होंने इकोनॉमी पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया, सोसाइटी पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया, एंड दे स्टार्टेड कलेक्ट रेवेन्यू, एंड फ्रॉम दोज रेवेन्यू दे परचेज द चीपेस्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया एंड एक्सपोर्ट इट टू द ब्रिटेन। सो इट मेट द एक्सपेंसेस ऑफ द डिमांड ऑफ फैक्ट्रीज इन ब्रिटेन।
And also they wanted to and also they want to only produce those crops they benefited to the Britain, and also so that the British rule brought about changes in values and custom and practice across the part of the country. और इसकी वजह से इंडिया में इंडिया के इंडिया धीरे धीरे एक रिच कंट्री से पुअर कंट्री बनता चला गया. एंड ड्यू टू द ऑल थ्रू द मॉडर्न इमेज इंडिया ऑफ एन पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट इंडिया वॉज रिचेस्ट कंट्री. इंडिया एक रिचेस्ट कंट्री होता था धरती पे, लेकिन आफ्टर द क्लोनियल पीरियड आफ्टर द ब्रिटिश क्लोनियल पीरियड इट बिकेम अ पुअर कंट्री. वाई? बिकॉज ऑल रिसोर्सेस ब्रिटिशेस take the advantage of its all resources and send the wealth. India का जो wealth था, India का जो total wealth था, वो कहाँ ले जाया गया? Britain. Britain में ले जाया गया ताकि Britain का development हो सके, और जिसकी वजह से India का development पूरी तरह से रुक गया. This is called the colonization. Okay? अब देखेंगे कि ये कैसे इंडिया का जो डेवलपमेंट है ये रुकता है. हम लोग ये फर्दर चैप्टर्स में देखेंगे. सो फॉर टुडेज वीडियो दिस इज इनफ. एंड फॉर होमवर्क यू हैव टू कलेक्ट 10 नेम ऑफ 10 मॉन्यूमेंट्स फॉर द सॉरी कलेक्ट द 10 मॉन्यूमेंट विच मेड बाय द ब्रिटिशियस इन इंडिया. ओके, थैंक यू.